जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में हमला कर दिया गया, जिसमें 40 जवानों की जान चली गई। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया? क्या इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था? क्या इसके लिए भाजपा सरकार के द्वारा ही कोई साजिश रची गई? क्या जानबूझकर सीआरपीएफ पर होने वाले हमले की वार्निंग्स को अनदेखा किया गया? कौन है पुलवामा मामले का असली दोषी, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के काफिले को उड़ा दिया गया। पूरा देश उत्तेजना और दुख में डूब गया। सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर किसने हमारे सैनिकों की जान ली है। पुलवामा हमले की अगली सुबह ही एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पास ही फॉरेंसिक विभाग और विस्फोटक पदार्थों के एक्सपर्ट्स जांच में जुट गए। एनआईए की शुरुआत ही आतंक के मामलों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद साल 2009 में हुई थी। पुलवामा हमले के वक्त जम्मू कश्मीर में एनआईए को हेड कर रहे थे आईपीएस राकेश बलवाल। राकेश बलवाल की लीडरशिप में ही एनआईए ने पुलवामा हमले की जांच की। एनआईए की जांच में जो चीज़ें बाहर आईं और भी कैसे बाहर आईं, इसे लेकर कश्मीरी लेखक राहुल पंडिता ने हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड, यानी कि पुलवामा केस को कैसे खोला गया, इस नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में राहुल ने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारे इलाके में छानबीन की। कोई दूर से किसी जवान की उंगली लेकर आता तो कोई हड्डी लेकर आता। ये ऐसा मंजर था कि कश्मीर के आईजी एसपी पानी वहीं इमोशनल होकर रोने लगे। उस वक्त कोई भी वाहन नज़दीक आता तो ऐसे लगता कि कहीं इसमें कोई बम विस्फोट लेकर ना आया हो। पुलवामा हमले को 15 मिनट का समय नहीं बीता था कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले के हमलावर आदिल अहमद डार की वीडियो जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आदिल की ये 2 मिनट 19 सेकंड की वीडियो मिनटों के अंदर ही सभी टीवी चैनलों पर चलाई जाने लगी। सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार पुलवामा जिले के ही काकापुरा का रहने वाला था। ब्लास्ट साइट से उसके घर की दूरी भी बहुत अधिक नहीं थी। इस वीडियो में आदिल ने भारत के बारे में बहुत सी बातें कहीं, हिंदुओं के बारे में बहुत सी बातें कहीं और मुस्लिमों से इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए कहा। मेरा नाम आदिल अहमद है और मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल होने के बाद आप हजरात मुझे वक्कास के नाम से जानते हैं। मैंने तकरीबन 1 साल पहले जैश ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदायीन सुकाड में शमूलियत इख्तियार की थी और 1 साल के तवील इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ पहुँचा जिस दिन की हसरत और तमन्ना ने मुझे जैश ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया और मुझे अपने रब से ये उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम जिस वक्त आप हजरात तक पहुँचेगा उस वक्त मैं रब की जन्नतों के मज़े लूट रहा हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये जो बातें आदिल बोल रहा है वो खुद ही बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। आज भी बहुत लोग इसे आदिल की ही आवाज़ मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आदिल अहमद डार महज लिपसिंग कर रहा था, यानी कि होठ हिला रहा था, स्क्रिप्ट कोई और पढ़ रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये आवाज़ थी किसकी? इस सवाल का जवाब भी आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पुलवामा हमले के दूसरे दिन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, एनआईए के बम एक्सपर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बॉम्ब डाटा सेंटर की टीम भी मौकाई वारदात पर सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। शरीरों के टुकड़ों को अलग अलग डिब्बों में रखा गया, धातु की चीज़ों को अलग अलग रखा गया और बम विस्फोट से जुड़े सबूतों को अलग अलग रखा गया। एनआईए की टीम के सामने 3 सबसे बड़े सवाल थे कि विस्फोट के लिए किस वाहन को लाया गया और इसे कौन लेकर आया था। दूसरा सवाल ये कि सुसाइड बॉम्बर कौन था। तीसरा सवाल ये कि विस्फोटक पदार्थ कौन सा था और इसे कहां से लाया गया था। बम विस्फोट की जगह से जांचकर्ताओं को जले हुए टायर मिले, टूटा हुआ साइलेंसर मिला, नंबर चेसिस के टुकड़े मिले, गाड़ियाँ टूटी हुई मिली और आसपास पड़े जवानों के शरीर के टुकड़े मिले। खून से सनी वर्दियों को इकट्ठा किया गया और उन्हें फॉरेंसिक लैबों में भेज दिया गया। जिस कार से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था उस कार के नंबर चेसिस को आतंकियों द्वारा पहले ही मिटा दिया गया था ताकि हमले के बाद कार को ट्रैक नहीं किया जा सके। शुरू में कार को लेकर भी अलग अलग मतभेद थे। किसी ने कहा कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी, कुछ ने कहा कि ये बच्चों की स्कूल ले जाने वाली 8 सीटर वाली गाड़ी थी, कुछ ने कहा कि शायद ये मारुति कार थी। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलवामा हमले के तीसरे दिन एनआईए की टीम ने गुरुग्राम स्थित मारुति कंपनी से टेक्निकल टीम को बुलाया। मारुति कंपनी की टेक्निकल टीम ने कार के क्षतिग्रस्त पड़े क्रैंक शाफ्ट को खोला जिस पर कार का बैच नंबर लिखा हुआ था।
क्रैंक शाफ्ट पर छपे इस बैच नंबर की हिस्ट्री देखी गई। इससे पता चला कि इस गाड़ी को 22 नवंबर 2011 के दिन मैन्युफैक्चर किया गया था। ये पुलवामा हमले के बाद हुई जांच की पहली कड़ी थी। पुलवामा हमले की जांच को लेकर लिखी अपनी किताब में आईपीएस दानिश राणा ने लिखा है कि बैच नंबर के आधार पर पता चला कि उस दिन कुल 16 वाहनों को मैन्युफैक्चर किया गया था और उन गाड़ियों में से सिर्फ 3 इको वैन थी। इनमें से सिर्फ एक इको वैन कश्मीर के अनंतनाग जिले की पीक ऑटोज कंपनी के पास भेजी गई। दूसरी तरफ ब्लास्ट साइट के कोई 100 मीटर दूर झेलम नदी के किनारे एक कार की चाबी मिलती है जिस पर एक नंबर लिखा था। इस चाबी ने इस कार की पहचान को और ऑथेंटिक करने के लिए मदद की। आगे की जांच में पता चला कि साल 2011 में इस कार के बनने के बाद ये कई बार अलग अलग मालिकों के द्वारा बेची गई। जिस दिन ये कार कश्मीर में पीक ऑटोज के पास भेजी गई थी उसी दिन उसे जलील अहमद हक्कानी नाम के एक आदमी ने खरीदा था। तब से लेकर अभी वाले नए आदमी तक यानी कि नए मालिक तक पहुंचने में इस ईगो कार को 9 बार बेचा गया। एक के बाद एक मालिकों से चुपचाप पूछताछ करती हुई एनआईए आखिरी खरीदार दानिश अहमद लोन के पास पहुंचती है। लेकिन दानिश ने पूछताछ में बताया कि ये कार भी उसने अपने लिए नहीं ली बल्कि अपने कजिन भाई सज्जाद भट्ट के लिए लिए हैं जिसके बदले 15,000 रुपये का बीच में प्रॉफिट कमाया। दानिश अहमद लोन ने सज्जाद भट्ट को ये कार जनवरी 2019 में 1,85,000 रुपये में बेची यानी कि पुलवामा हमले से तुरंत बाद। एनआईए तुरंत सज्जाद अहमद को ढूंढने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है लेकिन वहां पर जाकर पता चलता है कि सज्जाद अहमद कुछ दिन से गायब है। 23 फरवरी के दिन एनआईए ने सज्जाद भट्ट के घर पर रेड मारी थी लेकिन सज्जाद भट्ट नहीं मिला। इसके ठीक 2 दिन बाद ही देखने को मिलता है कि सज्जाद भट्ट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके हाथ में AK-47 थी। भट्ट ने अब खुले में अनाउंस कर दिया था कि वो अब ऑफिशियली जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर चुका है। दूसरी तरफ आदिल की वायरल वीडियो को लेकर 2 सवाल उठे कि एक तो या तो ये वीडियो फर्जी में ही जैसे मोहम्मद द्वारा कश्मीरियों को मोटिवेट करने के लिए रिलीज की गई है या उसे जैसे मोहम्मद के द्वारा मार दिया गया है और बाद में हमला किसी और पाकिस्तानी आतंकी के द्वारा किया गया है। इसलिए हमलावर की असली पहचान बाहर लाना अब भी एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जिस तरह 40 जवानों के शरीर टुकड़ों में बिखरे हुए थे उनमें से हमलावर के शरीर के हिस्से कौन से थे इसे पहचानना एक बड़ी चुनौती थी। घटनास्थल से कोई 100 मीटर दूर जिस जगह आईपीएस राकेश बलवाल को गाड़ी की चाबी मिली उसी जगह उन्हें एक हड्डी का टुकड़ा मिला जो संभवतः अंगूठे की हड्डी थी। राकेश बलवाल ने अनुमान लगाया शायद ये हमलावर की हड्डी होगी इसलिए इसका डीएनए कराया गया। साथ ही वायरल हो रही वीडियो में दिख रहे आदिल के पिता का भी डीएनए टेस्ट कराया गया। फाइनली दोनों का डीएनए टेस्ट सेम मिल जाता है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि आदिल की वायरल वीडियो सही है और हमलावर आदिल ही था कोई पाकिस्तानी नहीं। जल्द ही घटनास्थल से लिए गए फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर विस्फोटक का पता भी एनआईए ने ढूंढ निकाला। ये विस्फोटक किसी एक पदार्थ का नहीं था बल्कि एल्युमिनियम पाउडर नाइट्रोग्लिसरिन और आरडीएक्स का मिश्रण था। अब एनआईए ने यह तो पता लगा लिया कि आदिल ही असली हमलावर था लेकिन ये एक स्वाभाविक सा सवाल था कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक अकेला आदिल तो नहीं था। अब एनआईए को असली मास्टरमाइंड्स के पास पहुंचना था जिन्होंने आदिल को तैयार किया था। इसके लिए एनआईए ने अब जैसे मोहम्मद के लिए लोकल रूप से काम करने वाले ओडब्ल्यूजी यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ओजीडब्ल्यू वे लोग होते हैं जो आम लोगों की तरह रहते हैं और आतंकियों के लिए काम करते हैं। किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए ये ओजीडब्ल्यू ही जमीन तैयार करते हैं जैसे कि सुरक्षा बलों की सूचनाएं पहुंचाना, हथियार अरेंज करना, पैसा और सुरक्षित ठिकाने की बंदोबस्त करना। अब असली गुनहगारों तक पहुंचने के लिए ऐसे बहुत से ओजीडब्ल्यू के फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। इनमें से एक बिलाल मीर अहमद नाम के शख्स को एनआईए ने ट्रैक कर लिया जो पुलवामा के त्राल का ही रहने वाला था। बिलाल मीर अहमद के फोन पर बहुत सारे वर्चुअल नंबरों के से बात हुई थी जिसकी जांच एनआईए ने शुरू कर दी। ऐसे ही मुदासिर अहमद खान नाम के ओडब्ल्यूजी को एनआईए ने ट्रैक कर लिया। दरअसल मुदासिर पहले से ही एनआईए के रडार पर था। साल 2018 में हुए एक आतंकी हमले में उसका नाम आया था। मुदासिर के बारे में एक सूचनाकर्ता ने एनआईए को जानकारी दी थी कि वो वीपीएन का इस्तेमाल करके एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि मोटा माटी एक ऐसी व्यवस्था जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला यूजर कहां से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जगह की जानकारी कितना भी आप कोशिश कर लीजिए आपको नहीं पता चलेगी। यूजर वीपीएन का इस्तेमाल करके अगर यूपी में इंटरनेट चला रहा है, अगर यूपी में बैठा है तो लोकेशन दिखाई देगी कि अमेरिका, यूके, कनाडा। इस तरह बहुत से लोग अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए अक्सर वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वीपीएन का इस्तेमाल मुदासिर कर रहा था। एनआईए को जांच में पता चला कि मुदासिर अहमद ने पुलवामा हमले वाले दिन अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज किया था और उसमें लिखा था कि अगला कौन है
जो आदिल की तरह ही अगला फदाइन बनना चाहता है। मुदासिर के ही गांव के रहने वाले बिलाल अहमद मीर ने इस पर रिप्लाई किया कि मैं अगला फदाइन बनना चाहता हूं। जिस वक्त बिलाल मीर अहमद ने रिप्लाई किया था, तब बिलाल को मालूम नहीं था कि पुलवामा हमला किसने किया था, इसलिए उसने मुदासिर से इसके बारे में पूछा कि पुलवामा हमला किसने किया है। इस पर मुदासिर ने बिलाल को विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाली ग्लेटिन स्टिक्स की तस्वीर भेजी। पुलवामा हमले पर ही कश्मीर के रहने वाले चर्चित लेखक राहुल पंडिता ने भी एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड। इसमें राहुल ने लिखा है कि 26 फरवरी के दिन NIA ने मुदासिर के घर रेड मारी, लेकिन NIA को मुदासिर नहीं मिल सका। अब तक की जांच में NIA को कार खरीदने वाले सज्जाद और VPN चलाकर व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे, पुलवामा हमले पर बधाइयां ले रहे मुदासिर के बारे में लिंक मिल चुके थे, लेकिन अब भी कोई और था जो असली खिलाड़ी था। NIA को अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला था, न पता चला था कि कौन असली मास्टरमाइंड हो सकता है। इस बीच NIA को सुराग मिला कि मुदासिर अहमद पुलवामा जिले के त्राल एरिया में छुपा हुआ है। यहाँ हुई मुठभेड़ में सेना ने मुदासिर अहमद खान को मौत के घाट उतार डाला। उसके बाद सेना ने जैसे मोहम्मद के दो और आतंकियों को वहीं खत्म कर डाला। पुलवामा हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज में एक बदलाव लेने की भावना थी। 14 फरवरी जिस दिन पुलवामा हमला हुआ, उससे लेकर 10 मार्च के बीच ही करीब 18 ऐसे आतंकियों को मारा गया सेना और CRPF के जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा। इन 18 में से 14 जैसे मोहम्मद के आतंकी थे। मुदासिर की मौत के बाद उसके घर पर जमावड़ा जुट गया। मुदासिर के घर को हिजबुल और जैश ए मोहम्मद के झंडों से सजा दिया गया। लोग उसे शहीद कहने लगे। NIA को मुदासिर के पिता ने बताया कि NIA की रेड के बाद मुदासिर एक बार उनसे मिला है। उसने कहा कि जब उसके लास्ट दिन चल रहे हैं, जो एक बार जैश में चला जाता है उसके बाद बाहर नहीं आता। जिस वक्त मुदासिर अहमद खान का एनकाउंटर हुआ, उस वक्त सब ने समझा कि यही मास्टर माइंड था। TV से लेकर अखबारों और वेबसाइटों पर मुदासिर के एनकाउंटर पर कहा गया कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। लेकिन NIA को अभी असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। अब बारी थी सज्जाद भट्ट को ढूंढने की। सज्जाद वही जिसने पुलवामा हमले में यूज की गई कार को सबसे आखिरी में खरीदा था। इस बीच 17 जून 2019 के दिन सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में अनंतनाग जिले के मरहामा एरिया में सज्जाद को घेर लिया। सज्जाद एक 2 मंजिला घर में एक और आतंकी के साथ छुपा हुआ था और रात के करीब 1 बजे सेना और पुलिस की टीम ने इस घर को घेर लिया। दोनों के बीच भारी गोलीबारी होती है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो जाता है। सुबह 5 बजे दोबारा फायरिंग शुरू होती है और फिर दोपहर 11 बजे जब सज्जाद ने भागने की कोशिश की तो उसे वहीं आर्मी के द्वारा मार डाला गया। पुलवामा हमले से जुड़े 2 आतंकियों सज्जाद और मुदासिर दोनों को ही अब मौत के घाट उतारा जा चुका था, लेकिन पुलवामा की असली कहानी आना अभी भी बाकी था। क्योंकि अभी पुलवामा हमले की पूरी कॉन्स्पिरेसी की, ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी बेहद कम थी। सज्जाद को भी पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन इन दोनों की हत्या के बाद भी ये प्रूव नहीं किया जा सका कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस बात को सीधे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब कहानी में मोड़ आने वाला था। NIA को लीड कर रहे बलवाल ने डिसाइड किया कि इस पूरी साजिश को खोलने के लिए उन्हें और दूसरे रास्तों से जाना होगा। इसलिए IPS बलवाल ने जैसे मोहम्मद के द्वारा किए गए बाकी हमलों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। साथ ही जैसे मोहम्मद के आतंकियों को जब एनकाउंटर में मारा गया और उनके सामान की जो रिकवरी हुई, बंदूकों, डायरियों और मोबाइल फ़ोनों को उसने जांचना शुरू कर दिया। अक्टूबर महीने में बलवाल नौगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे मोहम्मद से जुड़े हमलों और आतंकियों की छानबीन करते हुए बलवाल की नज़र कामरान नाम के एक आतंकी पर पड़ी, जिसे पुलवामा हमले के बाद ही जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 29 मार्च के दिन मार डाला गया था। कामरान के साथ 2 और आतंकियों को मारा गया था। इसमें से एक ने एडिडास की जैकेट और महंगे जूते पहने हुए थे, जो दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा था। बलवाल ने इसके बारे में पूछा तो पुलिस ने उसका नाम इद्रिस भाई बताया। बलवाल ने महसूस किया कि ये कोई साधारण आतंकी नहीं है, कोई स्पेशल आतंकी है। पुलिस ने IPS राकेश बलवाल को बताया कि एनकाउंटर साइट से उन्हें एक आईफोन और एक सैमसंग का फ़ोन भी मिला है, लेकिन वो पूरी तरह डैमेज थे और किसी काम के नहीं थे। लेकिन बलवाल ने सोचा कि इन फ़ोन से कोई ज़रूरी चीज़ निकाली जा सकती है। बलवाल ने तुरंत इस फ़ोन को एक्सपर्ट्स के जाँच के लिए भेज दिया। सबसे पहले इसे कश्मीर साइबर सेल पर भेजा गया, लेकिन कश्मीर साइबर सेल इस काम को हल नहीं कर सकी। इसके बाद इस फोन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी कि CERTIN यानी कि सर्टेन के पास भेजा गया, जिसके बाद खुलते हैं असली राज।
जो राज अब तक किसी को पता नहीं थी, न भारत सरकार को, ना NIA को, ना CRPF को। इदरीस के फोन में क्या मिला उस पर बात करने से पहले आज की वीडियो के स्पॉन्सर सत्ताधीश पॉडकास्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसे कि मैं खुद सुनता हूँ और मेरे कई दोस्त सुनते हैं। इसमें राजनेताओं की पूरी जर्नी के बारे में बताया जाता है और इसकी आवाज़ और कंटेंट एक नंबर दर्जे का है, और ये मैं अपनी गारंटी पर कह रहा हूँ। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि इन्होंने स्पॉन्सर किया है, अगर ये स्पॉन्सर नहीं भी करते तब भी मैं आपको इस पॉडकास्ट के बारे में कभी ना कभी बताता। सत्ताधीश पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप इसे गाना ऐप, स्पॉटिफाई ऐप और एप्पल म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं। इसकी क्वालिटी इसी बात से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल सेक्शन में गाना ऐप पर यह पहले नंबर का पॉडकास्ट रहा है। एप्पल म्यूजिक पर भी ये टॉप 10 में रहा है। इस पर आपको मुलायम सिंह, मायावती, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाला साहब ठाकरे के पूरे जीवन की शानदार कहानियाँ आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद गाना ऐप, स्पॉटिफाई ऐप और एप्पल ऐप पर आप सत्ताधीश सर्च करके जरूर सुनना। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा कुछ मुफ्त में है। अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। पुलवामा हमले के बाद हुई मुठभेड़ों में मारे गए इदरीस के फोन को NIA ने सर्टिन के पास डाटा रिकवरी के लिए भेज दिया। राहुल पंडिता अपनी किताब हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड में लिखते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद बलवाल के पास सर्टिन की तरफ से एक कॉल आया कि सर एक बड़ी चीज हाथ लगी है। सर्टिन ने इदरीस भाई के सैमसंग फोन से करीब 100 GB का डाटा रिकवर कर लिया था। इसमें 16 घंटे के वॉइस मैसेज, सैकड़ों वीडियोज और फोटोज मिलते हैं। NIA ने सैमसंग कंपनी से इस फोन के एड्रेस के बारे में पूछा कि ये कहां से खरीदा गया है। सैमसंग ने NIA को मोबाइल डीलर का एड्रेस दिया। जांच में मोबाइल डीलर से NIA को पता चला कि ये फोन साल 2018 के अक्टूबर महीने में बिलाल अहमद कुचे नाम के एक शख्स के द्वारा 74,000 रुपये में खरीदा गया था। हालांकि ये फोन साल 2018 में खरीदा गया तो इसमें अब डाटा भी 2018 के बाद का मिलना चाहिए था, लेकिन क्लाउड स्टोर के कारण ये फोन यूजर के पुराने डाटा से सिंक कर गया, इसलिए इसमें पुराने सालों की तस्वीरें और बाकी डाटा भी मिल गया। जैसे आप अभी फोन बदलो तो आपका पुराना जो डाटा है वो क्लाउड स्टोर के कारण नए वाले फोन में आ जाता है, वैसे ही इसमें 2014 और उसके बाद का डाटा भी NIA को मिल गया। जो सबसे पहली तस्वीर IPS बलवाल को दिखी वो तस्वीर नीली मारुति इको कार की थी जो एक घर के बाहर पार्क थी, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि साकिर बासिर नाम के एक शख्स का था। साकिर बासिर की कहानी आपको आगे पता चलेगी कि ये कौन था और कैसे पुलवामा हमले की साजिश से जुड़ा। इस फोन में एक तस्वीर में साकिर बासिर की भी तस्वीर आपको मिलेगी। एक 3 लोगों की सेल्फी भी की तस्वीर भी इसमें मिली, जिसमें 3 लोगों के मुंह सिल्वर कलर के एक पाउडर से पुते हुए हैं। इसी तस्वीर से इदरीस भाई नाम के आतंकी और पुलवामा हमले का कनेक्शन खुलता है। इस 3 लोगों की सेल्फी में एक शख्स कोई और नहीं बल्कि आदिल अहमद डार था, जिसने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, जिसकी वीडियो पुलवामा हमले के बाद वायरल हुई थी। इसमें दूसरा आदमी जो सेल्फी ले रहा था वो इदरीस भाई था, जिसका कि यह फोन था जिसे कि रिकवर किया गया था, जिसे ये डाटा यानी कि रिकवर किया गया था। ये पहला मौका था जब इदरीस भाई, सकीर बासिर और आदिल अहमद के बीच का कनेक्शन जुड़ सका, जो सीधे पुलवामा हमले के पीछे की कहानी को साफ करता है। इसी फोन में आदिल अहमद डार की आखिरी वायरल वीडियो की बाकी रिहर्सल करते हुए वीडियो भी मिलती हैं, जिन्हें पुलवामा हमले से पहले शूट किया गया था। इन वीडियोज में आदिल के पीछे एक काले कलर की लकड़ी की अलमारी मिलती है जिस पर लाल रंग का बॉर्डर था। अलमारी के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। इस फोन से बलवाल को इदरीस भाई के साथ एक लड़की की फोटो भी मिलती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंसा जान थी, जो इदरीस की प्रेमिका थी। 22 साल की इंसा का घर पुलवामा में ही था और हकीरपुरा में मौजूद था। यहाँ से पुलवामा मामले में इंसा जान की एंट्री होती है। NIA ने इंसा जान के घर पर रेड मार दी। इंसा ने शुरू में NIA को बताया कि उसे तो मालूम ही नहीं है कि उनके घर पर कौन से आतंकी आए थे। जो आतंकी आए थे वे जबरन घर में घुस गए थे और उन्हें वे रोक नहीं सके। लेकिन जब NIA ने इंसा जान को इंसा की वो तस्वीर दिखाई जिसमें वो इदरीस भाई के साथ बैठी है और हाथ में बंदूक है, तब वो सच बताने के लिए मजबूर हो गई। NIA के सामने उसने कबूल किया कि उसके पिता जैसे मोहम्मद के लिए काम करने वाले OGW हैं, लोकल वर्कर हैं। उनके घर पर आतंकियों को जैसे मोहम्मद के लिए ही काम करने वाले अन्य पड़ोसियों ने भेजा था। जब IPS बलवाल ने इंसा जान के घर को चेक किया तो एक काले रंग की अलमारी दिखी जिस पर लाल रंग का बॉर्डर था। ये वही अलमारी थी जिसके सामने बैठकर आदिल अहमद डार ने अपनी आखिरी वीडियो शूट की थी। इदरीस के फोन में NIA को अमेजन कंपनी के एक पैकेज की तस्वीर भी दिखती है। NIA ने इस पैकेज के कंसाइनमेंट नंबर को अमेजन कंपनी के पास भेजा, जिसके जवाब में
अमेजन कंपनी ने एनआईए को बताया कि ये वैजुल इस्लाम नाम के एक आदमी को भेजा गया था। उसने अमेजन से ही अल्मोनियम पाउडर, बैटरी, चार्जर, चाकू और 13 नंबर के जूते मंगवाए थे। इसके बाद एनआईए ने तुरंत ही इन सामानों को मंगवाने वाले वैज उल इस्लाम को अरेस्ट कर लिया और सैमसंग मोबाइल को खरीदने वाले, जो कि वैसे इद्रिस भाई नाम का आतंकी चला रहा था लेकिन उसे खरीदा बिलाल कुचे नाम के एक शख्स के द्वारा था, उसे भी एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी के घर के आगे इको कार खड़ी थी और जिसका फोटो आदिल और इद्रिस के साथ रिकवर किया गया था, उस साकिर बासीर को भी एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। अब चार लोग एनआईए की गिरफ्त में थे, एक इद्रिस के लिए फ़ोन खरीदने वाला बिलाल कुचे और एक इको कार जिसके घर के सामने खड़ी थी वो साकिर बासीर, और जिसने अमेजन से विस्फोटक पदार्थ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मंगाई थी वो बैजुल इस्लाम, और जिस लड़की के घर आदिल अहमद डार की वीडियो शूट की गई थी वो इंसाजान। साकिर बासीर को पूछताछ के लिए अरेस्ट करके जम्मू ले जाया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, एक तरफ लास्ट तक इंसानियत में यकीन रखने की और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने की। अपनी किताब में राहुल पंडिता लिखते हैं कि बलवाल ने साकिर बासीर से सवाल पूछना शुरू किया और रियलाइज किया कि ये एक यूनिवर्सिटी के छात्र जैसा दिखाई देने वाला लड़का कैसे धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है। उसे अपने धर्म के बाहर की दुनिया का कोई आइडिया ही नहीं है कि इस्लाम के बाहर भी कोई दुनिया है, कोई एक्सपोजर ही नहीं मिला उसे। उसे वैसे ही समाज दिखाई देता है जैसा उसे कि बताया गया है। वो बार बार कुरान की कुछ आयतें दोहरा रहा था। बलवाल ने बहुत से आतंकियों को डील किया था लेकिन ये उन सब में एकदम अलग था। वो कोई पैसे के खातिर या कोई एडवेंचर करने के लिए आतंक में नहीं आया था। बलवाल ने उसे कुरान की ही कुछ आयतें, कुरान की ही कुछ ऐसी बातें बताई जो इसकी साकिर बासीर की बातों को काटती थी। दो दिन तक बलवाल ने एक बुरे और एक अच्छे अधिकारी का किरदार निभाया। कभी बलवाल उसे डराते, कभी डराते, कभी प्यार से बात करते। अपने अनुभव के आधार पर बलवाल जानते थे कि कितना भी टॉर्चर कर लो आतंकियों से कुछ नहीं उगलवाया जा सकता। बलवाल साकिर को उसके घर की याद दिलाने के लिए अपने घर से खाना बनवा कर लाए। घर के खाने की यादों ने साकिर को इमोशनल कर दिया। तीसरी रात को साकिर ने बलवाल से कहा कि अम्मी की बहुत याद आ रही है। बलवाल ने फ़ोन पर उसे उसकी माँ से बात करवाई और फ़ोन कटने के बाद एक किताब भी पढ़ने को दी। कुछ दिन बीते, एक दिन बलवाल साकिर के कमरे में घुसे ही थे कि साकिर बलवाल से बोला कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साकिर ने बलवाल से कहा कि इद्रिस भाई का असली नाम इद्रिस भाई नहीं था बल्कि वो उमर फारूक था, मतलब कि मसूद अजहर का भतीजा, और उस आदमी का बेटा था जो 1999 में हुए प्लेन हाईजेक की घटना को अंजाम दिया था। जिसने इद्रिस ही वो आदमी था जिसने पुलवामा हमले का पूरा प्लान रचा था। इद्रिस भाई ही उमर फारूक था और जैसे मोहम्मद का कमांडर था। यहाँ से पुलवामा हमले में पाकिस्तान कनेक्शन की शुरुआत होती है। ये पुलवामा हमले में पाकिस्तान के खिलाफ पहला सबूत था। अब सवाल ये कि उमर फारूक ने पुलवामा कॉन्स्पिरेसी को आखिर रचा कैसे और अंजाम कैसे दिया? कैसे उसने आदिल अहमद डार, साकिर बसीर, इंसाजान और बिलाल अहमद कुछी से काम करवाया? दरअसल इद्रिस भाई, जिसका असली नाम उमर फारूक था, जो कि पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर का भतीजा था, वो सितंबर 2016 में अफगानिस्तान के हेलमंड राज्य में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया था। उमर फारूक यहाँ 4 महीने की आतंकी ट्रेनिंग कैंप में रुका। यहाँ उसने आईईडी बम बनाना सीखा। उमर फारूक के फ़ोन से ही उसकी ट्रेनिंग के दौरान की वीडियोज मिलती हैं। साल 2017 में उमर की ट्रेनिंग पूरी हो गई, जहाँ से वो पाकिस्तान लौटता है और बलूचिस्तान और बालाकोट में मौजूद जैसे मोहम्मद के कैंपों में बाकी लोगों को ट्रेनिंग देता है। सितंबर महीने में मसूद अजहर ने अपने 17 साल के भतीजे ताला रशीद को कश्मीर भेजा, लेकिन उसे इंडियन आर्मी के द्वारा पुलवामा के अगलर कांडी गांव में एक एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जनवरी 2018 में उमर फारूक के बड़े भाई उस्मान हैदर को कश्मीर भेजा गया। उसकी भी उम्र मात्र 17 साल थी। इसके 3 महीने बाद ही उमर फारूक को भी कश्मीर भेज दिया गया। जम्मू के हीरानगर में जिस दिन उमर फारूक ने बॉर्डर को पार करके कश्मीर में प्रवेश किया वो 13 और 14 अप्रैल की रात थी। उमर के साथ 4 और आतंकियों ने बॉर्डर पार किया था। उमर अपने साथ M4 कार्बाइन राइफल लेकर आया था, बाकी के हाथों में AK-47 पिस्टल और ग्रेनेड थी। आतंकी ही अपनी पीठ पर थैले में RDX लाद कर लाए थे। ये वही RDX था जिसका इस्तेमाल आगे चलकर पुलवामा हमले में किया गया। इन आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित नारोवल नाम की जगह पर हुई थी, जो जम्मू कश्मीर के एकदम बॉर्डर पर मौजूद है। बॉर्डर पार करने के बाद आशिक अहमद नेंगरू और इकबाल अहमद रादर नाम के दो लोग इन्हें रिसीव करने के लिए आए
और जो कि जैसे मोहम्मद के लिए ओडब्ल्यूजी की तरह काम करते थे। शुरुआत में आसिक अहमद नांगरू पुलिस को सूचना देने वाला था, बाद में वो जैसे मोहम्मद का आदमी बन गया। बाद में एनआईए को जांच में ये भी पता चला कि नांगरू ने सिर्फ उमर और उसके साथियों को ही कश्मीर में शरण नहीं दी, बल्कि कुल लगभग 33 आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसने में मदद की। जम्मू बॉर्डर से श्रीनगर लाने के बीच रास्ते में उमर और नांगरू ने एक ढाबा पर खाना भी खाया। इसकी एक तस्वीर भी एनआईए को उमर फारूक के फ़ोन से मिलती है। 15 अप्रैल की सुबह सभी आतंकी आसिक अहमद नांगरू के घर पर पहुंच जाते हैं। यहीं उमर को बिलाल अहमद कुछे को मिलवाया जाता है, जिसने उमर फारूक यानी कि इदरिस भाई को सैमसंग का फ़ोन खरीद कर दिया था। बिलाल अहमद कुछे 28 साल का धनवान कश्मीरी युवक था। जल्द ही उमर नांगरू के घर से बिलाल अहमद कुछे के यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यहीं पर उमर को हंजिला जिहादी नाम का आतंकी मिला, जिसने उमर फारूक को आदिल से मिलवाया, यानी आदिल अहमद डार, यानी पुलवामा हमले को अंजाम देने वाला आतंकी। हंजिला ने उमर से कहा कि ये आदिल है और जैसे मोहम्मद के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है। कुछे के घर पर ही उमर को एक और नौजवान लड़का नजर आया, जो हर दोपहर उसके लिए खाना लाता था। उमर ने पूछा कि ये कौन है। कुछे ने बताया कि साकिर यानी कि साकिर बसीर, जिसके घर के सामने ईगो कार की जो तस्वीर थी वो दिखाई दी थी। धीरे धीरे उमर फारूक ने साकिर को अपना विश्वस्त बनाया। दूसरी तरफ कुछे ने उमर के लिए बड़गांव के गुलशन इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से सैमसंग S9 का फ़ोन खरीद कर दिया। इसी बीच साल 2018 में ही एक और पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल बॉर्डर पार करके कश्मीर में घुसता है। उसकी लंबाई काफ़ी अधिक थी, इसलिए उसका कोड नेम लंबू रखा गया। उमर के फ़ोन में इस्माइल की भी कुछ वीडियो NIA को मिली हैं। लंबू भी संभवतः मसूद अजहर के परिवार का ही था। एक तरफ मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक साकिर और आदिल अहमद डार को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ लंबू यानी कि इस्माइल श्रीनगर के एक पौस इलाके के बागे महताब में रहने वाले एक छात्र वैजुल इस्लाम को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ था। वैजुल इस्लाम पढ़ने में अच्छा था और डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस्माइल ने उसे भड़काना जारी रखा। इसी के अमेजन अकाउंट का इस्तेमाल कर इस्माइल यानी लंबू ने कार्गो पैंट से लेकर चाकू, मोबाइल कवर, लेजर पॉइंटर का ऑर्डर किया। चूंकि लंबू का पैर काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसने अपने लिए 13 नंबर के बड़े जूते भी ऑर्डर किए। लंबू ने सारा सामान वैजुल इस्लाम के अमेजन अकाउंट से ऑर्डर किया, लेकिन इस बीच एक ऐसी बड़ी घटना होती है जो पुलवामा हमले की साजिश का सबसे बड़ा कारण बनती है। 30 अक्टूबर 2018 के दिन पुलवामा के त्राल में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उमर फारूक के यानी कि इदरिस भाई के बड़े भाई उस्मान हैदर को एनकाउंटर में मार गिराया। उमर फारूक और उस्मान हैदर दोनों ही मसूद अजहर के भतीजे थे। उस्मान हैदर के एनकाउंटर के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान से ही एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी किया और कश्मीरियों को उस्मान हैदर की कथित शहादत का बदला लेने के लिए कहा। उस्मान हैदर का एनकाउंटर ही वो बड़ी घटना थी जिसे जैसे मोहम्मद में बदला लेने की भावना तीव्र हो गई। अब जैसे मोहम्मद ने बड़े हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बिलाल कुछे के घर पर जहाँ की मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक ठहरा हुआ था, वहीं उमर फारूक ने आदिल अहमद डार को मसूद अजहर की वो ऑडियो सुनाई। डार उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने शेख यानी कि मसूद अजहर के निर्देश मानने और शहादत देने की बात कही। अब एक बड़े हमले की तैयारी शुरू की जा चुकी थी। इस बीच उमर ने सज्जाद भट्ट को एक कार खरीदने का निर्देश दिया। अंत में उसने मारुति इको कार खरीद ली, क्योंकि उसकी मिडिल की सीट पहले से ही हटाई हुई थी और कार अभी भी पहले के मालिक के नाम के से ही रजिस्टर्ड थी। इसलिए सज्जाद भट्ट ने मारुति इको कार खरीद ली। ये कार जनवरी 2019 के लास्ट हफ्ते में खरीदी गई, जिसे साकिर बसीर चलाकर लाया और अपने घर के सामने पार्क कर दिया। इस कार को पहचाना ना जा सके, इसके लिए साकिर बसीर ने इसके इंजन और चेसिस के नंबरों को मिटा दिया। जनवरी में ही वैजुल इस्लाम को, जिसे लंबू यानी कि इस्माइल ने तैयार किया था, उसके अकाउंट से 3 किलोग्राम एल्युमिनियम पाउडर खरीदवाया गया। मुदासिर खान ने बम बनाने के लिए ग्लेटिन स्टिक्स खरीदी। ग्लेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल सड़क बनाने और सीमेंट फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये कश्मीर में आसानी से उपलब्ध थी। साकिर बसीर को पुलवामा की फर्टिलाइजर की दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदने के लिए कहा गया। साकिर नीले कलर के मिक्सिंग ड्रम और नारंगी कलर की एक कैन भी खरीद कर लाया। इसी वक्त उमर को बिलाल अहमद कुचे के घर से इंसा जा के घर पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी उमर फारूक इंसा के घर पर दो बार कुछ कुछ वक्त के लिए रुका था। उमर फारूक को इंसा के परिवार से किसी और ने नहीं बल्कि अब्बास रादर ने मिलवाया था, जो इंसा का पड़ोसी था। अब्बास शुरुआत में पुलिस का इन्फॉर्मर था और बाद में पुलिस की जगह जैसे मोहम्मद के लिए पैसे लेकर काम करने लग गया। इंसा जान का पिता पीर तारिक साहब ही
जैसे मोहम्मद कसम पैदायर था। उसका एक चचेरा भाई भी और एक भतीजा भी आतंकी थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ साल पहले एनकाउंटर में मार डाला था। इसलिए इंसा का पिता भी जैसे मोहम्मद से सहानुभूति रखता था। उमर फारूक के इंसा के घर शिफ्ट होने पर 22 साल की इंसा उमर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। इसी दौरान जिद करने पर उमर ने बंदूक के साथ इंसा की तस्वीर खींची। उमर ने ही इंसा को रेडमी नोट 5 प्रो मोबाइल दिलाया ताकि वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उससे कनेक्ट रहे। इंसा ने एनआईए को जांच में बताया कि उमर और उसके दोस्त 10-15 दिन पर लौटते थे और कुछ दिन रुकते थे। सब कुछ इंतजाम होने के बाद अब बम विस्फोट की बड़ी घटना को अंजाम देने का वक्त आ गया था। फरवरी 2019 के पहले हफ्ते में उमर फारूक, आदिल अहमद डार और हंजिला जियादी तीनों इंसा के घर पहुंचे। इंसा ने एनआईए को बताया कि इस बार आदिल शांति रहा और अधिकतर टाइम प्रेयर ही करता रहा। यहीं पर आदिल की आखिरी वीडियो शूट की गई, लेकिन आदिल वीडियो सही आवाज़ के साथ शूट नहीं कर सका था, इसलिए हंजिला जियादी ने उसकी आवाज़ डब की। पुलवामा हमले के बाद जैसे मोहम्मद ने आदिल अहमद की जो वीडियो जारी की थी, उस वीडियो में आवाज़ आदिल की नहीं थी बल्कि हंजिला जियादी की ही थी। 5 फरवरी की शाम जिस दिन जैसे मोहम्मद कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, उस दिन की शाम उमर, आदिल अहमद डार, हंजिला जियादी और साकिर बशीर चारों साकिर बशीर की कार से उसके घर गए। अब विस्फोटक पदार्थ पर फाइनल काम करना शुरू हो गया। उमर जो कि पहले से ही अफगानिस्तान से IED बम बनाकर सीख कर आया था, उसने RDX, अमोनियम नाइट्रेट और ग्लिटिन स्टिक्स को 3 लेयर में जोड़ा और तार को एक्सप्लोसिव डिवाइस से जोड़ दिया। इसे बनाने में एल्युमिनियम पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जल्द ही आग कैच कर ले। इसी पाउडर को सभी ने अपने चेहरों पर पोत लिया, जिसके बाद उमर ने आदिल और हंजिला जियादी के साथ सेल्फी ली। ये वही तस्वीर है जो मैंने आपको पहले एपिसोड में दिखाई थी। ये वही तस्वीर है जो उमर फारूक उर्फ इद्रिस भाई के फ़ोन से रिकवर की गई थी। इसके बाद इस विस्फोटक पदार्थ को कार में फिट करने की बारी आई। सबसे पहले नीले ड्रम में 160 किलोग्राम विस्फोटक रखा गया और फिर 40 किलोग्राम विस्फोटक नारंगी केन में रखा गया और इन दोनों के तारों को स्टीयरिंग व्हील के एकदम पास में लगा दिया गया। प्लान अगले दिन यानी कि 6 फरवरी के दिन CRPF के काफिले पर अटैक करने का था, लेकिन 5 फरवरी की रात ही भारी बर्फबारी पड़ गई, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, जिसके कारण CRPF ने अपने जम्मू से श्रीनगर काफिला ले जाने के प्लान को कुछ दिन के लिए रोक दिया। इसलिए उमर, आदिल और हंजिला तीनों साकिर के घर पर ही रुके रहे और 200 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ के साथ कार साकिर के घर के आगे ही पार्क खड़ी रही। उधर CRPF बर्फबारी बंद होने और जम्मू श्रीनगर हाईवे के खुलने का इंतजार करती रही। इधर आदिल, साकिर और उमर भी CRPF के आने का इंतजार करते रहे। 14 फरवरी की दोपहर साकिर बशीर अपनी फर्नीचर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि CRPF की रोड ओपनिंग पार्टीज को सड़क पर तैनात किया जा रहा है। उसने तुरंत उमर को सूचना दी कि जल्द ही CRPF का काफिला आने वाला है। उमर खुद एक बार रेकी करने के लिए घर से बाहर निकल आया। उमर ने साकिर और आदिल को भी तुरंत आने के लिए कहा। आदिल ने एक पिस्टल ली और मौके पर इको कार लेकर पहुंच गया। उमर के साथ साकिर था, जिसे आदिल ने अपने हाथ की घड़ी उतार कर कहा कि ये मेरी आखिरी निशानी है, मुझे दुआ में याद रखना। अब आदिल अकेले ही इको कार लेकर आगे बढ़ चुका था। शाम के 3:30 बज रहे थे। CRPF का काफिला लाडू मोड़ पर पहुंच चुका था कि बगल की सड़क पर इंतजार कर रहे आदिल ने CRPF के काफिले की 5वें नंबर की बस से अपनी इको कार भिड़ा दी। उसके बाद हुआ भीषण विस्फोट, वो विस्फोट जिसने 40 निर्दोष जवानों की जान ले ली। लेकिन आदिल अहमद डार, साकिर बशीर और उमर फारूक के अलावा एक और आदमी था जो इन सबसे ऊपर था। उसका नाम था रऊफ असगर। रऊफ असगर उमर फारूक का चाचा और मसूद अजहर का भाई था और जैसे मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड था, जो पाकिस्तान से ही उमर को निर्देश दे रहा था। जब बीच में उमर और साकिर ने पुलवामा की तरह दूसरा हमला करने के लिए प्लानिंग की, तो रऊफ असगर ने ही दोनों को कुछ और दिन रुकने के लिए कहा था। पुलवामा हमले के बाद रऊफ असगर ने अपने भतीजे उमर फारूक को अपने फ़ोन की चैट हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कहा और फ़ोन तोड़कर मिटाने के लिए कहा था, लेकिन उमर ने उस वक्त ऐसा नहीं किया। इसकी जगह उसने एक सस्ता सा फ़ोन तोड़कर उसकी तस्वीर रऊफ असगर यानी कि अपने चाचा को भेज दी। लेकिन पुलवामा हमले को अभी 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ था कि 29 मार्च 2019 के दिन नौगांव के एक घर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे घेर लिया। इस मुठभेड़ में जब उमर को गोली लग गई तो उसने अपने फ़ोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसे आंशिक तौर पर ही तोड़ पाया।
यही फ़ोन बाद में आईपीएस बलवाल के हाथ में लगा और पुलवामा हमले की परतें खुल सकी। अगर ये फ़ोन ना होता तो पुलवामा हमले में मसूद अजहर और उसके भाई राउफ असगर के हाथ होने के सबूत न मिल पाते। इंसान ने एनआईए को जांच में बताया कि उमर की मौत के 10 दिन बाद हंजला जियादी उसके पास पहुंचा और उमर की मौत के बारे में बताया। शुरुआत में उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब हंजला ने उसकी पिक्चर दिखाई, इसके बाद हंजला ने इंसा से उमर का दिया रेडमी फ़ोन मांगा, लेकिन इंसा ने मना कर दिया। इसके बाद हंजला ने इंसा के हाथ से फ़ोन छीन कर सिम तोड़ डाली और फ़ोन लेकर चला गया। इंसा ने बताया कि इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। इसी तरह सकीर बशीर को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने पुलवामा कॉन्स्पिरेसी की सारी बातें उगल दी। वहीं वैजुल इस्लाम को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने रोते हुए कबूला कि उससे एक बड़ी गलती हुई है। फिलहाल ये मामला अभी जम्मू कोर्ट में स्टेट वर्सेज मसूद अजहर एंड 16 अदर्स के नाम से चल रहा है, लेकिन फिर भी एक जायज़ सवाल अभी भी यहां उठता है। सवाल ये कि क्या इस अटैक को रोका जा सकता था, क्या इसे रोकने की कोशिश की भी गई, आखिर इतना बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर राज्य में कैसे रची गई। अलर्ट पर अलर्ट जारी होते रहे, लेकिन फिर भी पुलवामा अटैक को रोका नहीं जा सका, ये एक बड़ा सवाल है।